अगर आप एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो देश में खुलने जा रहा है एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, IIT और IIM की तर्ज पर इसे भारत सरकार खुलने जा रही है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। भारत भी दिखा रहा है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया में अपना बाहुबल। इस फिल्म ने देश ही नहीं दुनिया में भी तहलका मचा दिया। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ट्रेनिंग अच्छी है तो इस क्षेत्र में चमकदार करियर की गारंटी है। अभी देश में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का बाजार करीब 8,000 करोड़ का है। इसमें हर साल 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, यानी 2025 तक ये बाजार 30,000 करोड़ का हो जाएगा। तब ये क्षेत्र 1.5 लाख लोगों को रोजगार देगा। लिहाजा अब सरकार एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशन इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले छात्रों की न सिर्फ जॉब पक्की होगी बल्कि सरकार उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगी जिससे वो 3D एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आ सके। फिलहाल हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड तक इनके एक्सपर्ट्स की डिमांड है। हर मूवी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लाइक फैन मूवी में उसमें शाहरुख खान को पतला दिखाया गया है, उसकी जो रिंकल्स हैं वो सब हटाई गई है, तो फ्रेम बाय फ्रेम उसकी रिंकल्स हटाई गई है। और आपने देखा होगा कि आजकल 3D फिल्म्स आ रही हैं जिसे चश्मा पहन के देखा जाता है, उसमें भी पर फ्रेम रोटोस्कोपी की जरूरत पड़ती है जिसके लिए कैंडिडेट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और बहुत जॉब्स है इसके लिए। करीब 20 एकड़ में फैला अपनी तरह का पहला सरकारी कैंपस बॉलीवुड नगरी मुंबई में बनेगा। यहाँ पर बैचलर ऑफ डिजाइन एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव मीडिया, बैचलर ऑफ डिजाइन गेम्स, BFA इन डिजिटल आर्ट्स एंड एनिमेशन, BSc गेम डेवलपमेंट, MSc कंप्यूटर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, मास्टर ऑफ एनिमेशन गेम एंड इंटरेक्टिविटी जैसे 16 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छात्रों का चुनाव मार्क्स के आधार पर नहीं टैलेंट के आधार पर होगा। अच्छे छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सरकार अगले सत्र से ही इसे अस्थायी कैंपस में शुरू करना चाहती है जिसे बाद में प्रस्तावित सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।